हाँ नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं है, हम दो हफ्ते बाद की मीटिंग लाइन अप कर लेते हैं फिर। ठीक है, सर मैं एक अमन आइए। सर मुझे आपसे बात करनी थी। कहिए, मैं सुन रहा हूं। सर थैंक यू। आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है जब मुझे वाकई मदद की जरूरत थी। अभी कुछ देर पहले मुझे आपके वाले साहब के बारे में इत्तला मिली है। I'm really sorry for your loss. जानता हूं मेरा कोई भी फिक्र, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो, आपके गम को कम नहीं कर सकता। आप खुद को संभालें, अपना ख्याल रखें और हौसला रखें। एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ दिन ऑफिस स्किप करना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ दिन रेस्ट कर लें। नहीं सर, ऑफिस तो मैं आऊंगी। अपने सबसे प्यारे रिश्ते के जाने का गम तो उम्र भर रहता है ना। वो तो कम नहीं हो सकता। हाँ प्लीज बैठे। थैंक यू सर, आपने इतना सोचा। सर ये मैं आपके पैसे वापस करने ही थी। आपने जो भी खर्चा किया था हॉस्पिटल के एक्सपेंस में से ये बच गए हैं पैसे। इसकी जरूरत नहीं है सर। अब मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो खर्चा हुआ है आपका वो मैंने यहाँ बोल दिया है, मेरी सैलरी में से मंथली मैं कटवाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप ये पैसे रख ले सर। देखिए इस सब की भी जरूरत नहीं है। आप खामखा इतना ज्यादा सोच रही हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पैसे रख लें। आपने वाकई मेरी उस टाइम मदद की है जब दूर दूर तक कोई नहीं था साथ। और ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज इसे एहसान मत कहिए, ये एहसान नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करने में एहसान का एलिमेंट नहीं होता। अब खामखा ऐसी बातें सोच रही हैं। सर आप ऐसा सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पैसे रख लें प्लीज। मुझे वाकई अच्छा लगेगा।